नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम इलेक्शंस इन इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एम सी को कवर करेंगे फर्स्ट जनरल इलेक्शन इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वोटर्स in जिसको इंडेलिबलिंग भी बोलते हैं ईवीएम वीवीपैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा चैनल अपने तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा पॉलिटिक्स साइंस साइन टेक्नोलॉजी की तो आप भी इसको देखने के लिए हमारी प्ले को जो चेक करिएगा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारी प्लेलिस्ट और कंडफे की बाकी इसको को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा चलिए शुरुआत करते हैं पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया हमारे भारत में जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका फ्यूचर नहीं है तो क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है बिल्कुल है सीक्रेट वोटिंग कॉमनल इलेक्टोरेट या फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्चर फॉर द मेंबर्स ऑफ एस सी और एस टी तो देखिये एस सी और एस टी के लिए रिजर्वेशन भी है एडल्ट फ्रेंचाइज भी है सीक्रेट वोटिंग भी है लेकिन यहाँ पे कॉमनल इलेक्टोरेट नहीं है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कॉमनल इलेक्टोरेट इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया का फीचर नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज अ मैक्सिमम अलोड ड्यूरेशन बिटवीन द लास्ट सेशन ऑफ द डिजोल्व लोकसभा एंड द रिकिंग ऑफ द लोकसभा देखिए एक बार जब लोकसभा डिजोल्व हो जाती है तो उसके कितने समय के अंदर अंदर हमें चुनाव करवा नई लोकसभा बनाने पड़ती है यह हमारे संविधान में ड्यूरेशन लिखी हुई है राइट आंसर ऑप्शन डी है छः महीने के अंदर अंदर हमें चुनाव करा के नई लोकसभा का गठन करना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड आफ्टर एवरी तो कितने साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है तो एक बार जब स्थाई सरकार बन जाती है अगर उसके पास मेजोरिटी है तो फिर हर पाँच साल के बाद लोकसभा का इलेक्शन होता है तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर लेकिन यहाँ पर एक की है और वो है मेजोरिटी मेजोरिटी कितने प्रकार की होती है मेजोरिटी चार प्रकार की होती है मेजोरिटी क्या होती है टाइप्स ऑफ मेजोरिटी कौन कौन सी होती है कौन कौन सी चार प्रकार की मेजोरिटी होती है सारी चीजों को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है जरूर देखेगा इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है मेजोरिटी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल इन इन द द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम कंट्री हमारे भारत में इलेक्टोरल सिस्टम जो है इसके बारे में भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल या कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं जहां पे प्रोविजन मैंशन है तो इसका राइट right आंसर क्या है आर्टिकल थ्री से थ्री ट्वेंटी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 324 से लेकर तीन तक के जो आर्टिकल हैं उनमें प्रोविजंस है हमारे भारत के इलेक्टोरल सिस्टम का नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्चर्स आर कंडक्टेड बाय देखो हमारे यहाँ पे प्रेजिडेंट के इलेक्शन वाइस प्रेजिडेंट के इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन पंचायत के इलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन ये सारे इलेक्शंस होते हैं इसमें पहले चार जो हैं प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ये कौन कंडक्ट कराता है ये कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ई और जो पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के हैं वो कौन कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर ये इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटी के काफी टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर किया है आप मेरी प्ले में जाइए इंडियन पॉलिटी वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे प्रेजिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तो एक बार जरूर चेक करिएगा चलिए इन विच चेर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया हमारे भारत में सबसे पहला जो जनरल इलेक्शन है वो कब हुआ था तो वो 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 नाइनटीन फिफ्टी वन फिफ्टी टू में हुआ था तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो हमारे भारत में फिफ्टी वन फिफ्टी में हुआ था नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा लोकसभा में SC समाज हमारे शेड्यूल कास्ट जो भाई बहन होते हैं उनके लिए कितनी सीट्स को रिजर्व किया गया है तो राइट आंसर ऑप्शन बी है सेवेंटी को रिजर्व किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ इलेक्शन इलेक्शन अपॉइंटेड बाय कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है तो अपॉइंट कौन करेगा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया करेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स है उनको प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है आप सब जानते हैं चुनावों से पहले

दूसरा है इट अपलाइज टू ऑल पार्टीज देयर कैंडिडेट एंड पोलिंग एजेंट्स द गवर्नमेंट इन पावर इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तीसरा है आंध्र प्रदेश द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन स्टेट असेंबली चौथा द कोड ऑफ कंडक्ट नॉट इसमें से करेक्ट रेफरेंस क्या है तो ऑप्शन डी है कि इसका कोई स्टेट्यूटरी बेसिस नहीं है स्टेट्यूटरी बेसिस का मतलब हुआ कि क्या यह संविधान में लिखा है नहीं लिखा है क्या इसके लिए कोई कानून आया कोई एक्ट आया कोई लॉ आया कोई बिल आया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो इसका कोई स्टेट्यूटरी बेसिस नहीं है। ये अपनी से लाया गया है कंसाइंस मतलब अपनी मर्जी से लाया गया है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी कंसाइंस अपनी मर्जी से इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि एक कोड होना चाहिए सारी की सारी पोलिटिकल पार्टीज के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है क्या इसका क्रिटिसिज्म है कहाँ से इसकी शुरुआत हुई इन सारों को मैंने अलग वीडियो में कवर किया जरूर देखिएगा तो इसकी करेक्ट रेफरेंस क्या है कि इसके कोई स्टेट्यूटरी बेसिस नहीं है बाकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाली वीडियो को जरूर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू बी भी रिकोगनाइज नेशनल पार्टी अ पोलिटिकल पार्टी मस्ट बी प्रेजेंट इन अब अगर कोई भी पार्टी आप सब जानते हो भारत में बहुत ज़्यादा पार्टीज हैं बहुत ही ज़्यादा पार्टीज़ है हमें मुख्यतः कुछ ही पार्टीज़ का नाम पता चलता है कांग्रेस बीजेपी सीपीआईएम ठीक है ना बीएसपी एसपी लेकिन हमारे भारत में न जाने कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक नेशनल पार्टी देखो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टियाँ भी होती है, हैं नेशनल पार्टियाँ भी होती हैं तो किसी भी पोलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी रिकोगनाइज़ करने के लिए पोलिटिकल पार्टी लगभग कितनी स्टेट्स में होनी चाहिए तो वो एटलीस्ट चार स्टेट्स में होनी चाहिए अगर कोई पार्टी चार स्टेट्स में है तो उसको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है अभी कुछ टाइम पहले आम आदमी पार्टी को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें लास्ट जो एक पार्टी जिसको नेशनल पार्टी रिकोगनाइज़ किया गया है वो आम आदमी पार्टी है अब किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब डिक्लेयर किया जाता है इसमें एक तो हो गया कि चार स्टेट्स में वो मिनिमम होनी चाहिए इसके अलावा और भी काफी क्राइटेरिया होते हैं तो मैंने इसको एक अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब डिक्लेयर किया जाता है कब रिकॉगनाइज किया जाता है तो उसको जरूर देखेगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उससे मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको सारी चीजें समझाई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मालेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिटुंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया अब यहाँ पे देखो दो चीजें आती हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में एक बाय एरिया एक बाय पॉपुलेशन यहाँ पे पूछा है कि हमारे जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिटेंसी कौन सी है तो सबसे स्मॉलेस्ट है दिल्ली में ऑप्शन डी चांदनी चौक जो चांदनी चौक लोकसभा कॉन्स्टिटुंसी है बाय एरिया वो सबसे स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिटेंसी है लेकिन ध्यान रखिएगा बाय एरिया है फिर आता है लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिटुंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया स्मॉलेस्ट तो हो गई चांदनी चौक लार्जेस्ट कौन सी है तो एल से आ गया लार्जेस्ट एल से आ गया लद्दाख ऑप्शन सी इज द राइट आंसर लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिटुंसी जनरल इलेक्शन बाय एरिया लद्दाख है अगर हम टॉप फाइव टॉप की पांच एरिया वाइज की बात करें तो सबसे पहले आता है लद्दाख फिर 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 आता 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 है कच, फिर आता है है बारमर कच्छ अरुणाचल वेस्ट फिर आता है अरुणाचल ईस्ट तो सबसे बड़ी कौन सी है सबसे बड़ी लद्दाख है नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्टेंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे बात आ गई पॉपुलेशन की कि पॉपुलेशन या नंबर ऑफ वोटर्स की बात करें तो लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिटुंसी कौन सी स्टेट में है तो कौन सी स्टेट में है तेलंगाना में है ऑप्शन बी क्या नाम है मलकाजगिरी 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 कॉन्स्टिट्युंसी जो तेलंगाना में है ये लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है बाय पॉपुलेशन या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ वोटर्स और यहाँ पे कितने इलेक्टर्स हैं माने कितने ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट करेंगे वोट देंगे तो इकतीस लाख तिरासी हज़ार तीन सौ पच्चीस वोटर्स का इलेक्टर्स का नंबर है तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्युंसी बाई एरिया कौन सी बताई लद्दाख बाई पॉपुलेशन या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ वोटर्स नंबर ऑफ वोटर मतलब कितने ज़्यादा वोटर हैं जो वोट दे सकते हैं तो वो बाई पॉपुलेशन या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स बात तो एक ही है लेकिन शब्दों पर आपने ध्यान देना है कंफ्यूज नहीं होना है बात एक ही है या आपने ध्यान में रखना है कि इन टर्म्स ऑफ ऑफ नंबर वोटर्स हो या पॉपुलेशन कौन सी है तेलंगाना की मलकाजगिरी अब अगर हमने बात करी लार्जेस्ट की तो बात करेंगे स्मॉलेस्ट की भी कि स्मालेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिटेंसी कौन सी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स या फिर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो कौन सी स्टेट में है तो वो लक्षद्वीप में है लक्षद्वीप कॉन्स्टिटेंसी जो है वो नंबर ऑफ वोटर्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिटेंसी है जनरल इलेक्शन की यहाँ पे मात्र सैंतालीस हजार नौ सौ बहत्तर इलेक्टर्स ही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स अब देखो निम्नलिखित में से यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि चार स्टेट्स दी गई हुई हैं इनमें से आपने बताना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स किसके पास है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में बयालीस लोकसभा सीट्स हैं और अगर हम पूरे के पूरे भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जिसमें हाइस्ट नंबर है लोकसभा सीट्स का और यह नंबर है एट्टी अस्सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये बताता है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए तो ये आर्टिकल 324 है ऑप्शन सी 324 आर्टिकल बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया रिकॉगनाइज पहले हमने बात करी कि, कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है अब यहां पे बात है कि कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है तो इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा इसको क्या इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा फाइनेंस कमीशन करेगा तो राइट right आंसर क्या ऑप्शन ए ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है किसी भी पार्टी को पोलिटिकल पार्टी रिकोगनाइज करना इंडिया में और किसी भी पोलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी रिकोगनाइज करना यह काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वी जिसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको सबसे पहले किस स्टेट के इलेक्शन में यूज किया गया था तो इसका आंसर ऑप्शन बी है केरल में सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था केरल में नॉर्थ पारावर असेंबली कॉन्स्टिचुएंसी लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्स्टिचुएंसी में यूज़ किया गया उसके बाद गोवा असेंबली में 1999 में चुनाव हुए पूरे के पूरे स्टेट में वहाँ पे इसको सबसे पहले यूज़ किया गया फिर 2003 में जितने भी बाई इलेक्शन हुए या स्टेट इलेक्शन हुए उनमें ई का यूज़ किया गया और उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन जो दो 2004 में हुए वहाँ पर ई का यूज़ किया गया तो पूरे के पूरे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें सबसे पहले ई का यूज़ कब हुआ दो में हुआ उससे पहले बाई इलेक्शन या स्टेट

ट इज वी वी पैट अब आपको बताना है कि वी वी पैट की फुल फॉर्म क्या है तो वी वी पैट की फुल फॉर्म होती है राइट आंसर right ध्यान रखिएगा सीधा सवाल पूछ ले आता है और यहाँ पे बिल्कुल सेम सेम बातें बोली जाती हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर की जगह प्रेस कर देंगे या कुछ और कर देंगे ऑडिट की जगह अकाउंट कर देंगे फिर वहां पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार वोटर वेरीफाइबल तो पता है अब इसके आगे तो हमें याद ही नहीं रहा तो देखो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल ये है वी वी पैट की फुल फॉर्म ये आपने ध्यान में रखनी है सीधा सवाल पूछा जा सकता है तो वी वी पैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अब ये करता क्या है देखिए ये वोटर्स को अलो करता है कि आपने जिसको वोट दिया है उसको आप एक बार दोबारा वेरीफाई कर सके देखो होता क्या है मान लो ये है ई वी एम ये है हमारे पास वी वी पैट अब ई वी एम में इस प्रकार से अलग अलग नाम है यहाँ पे नाम होंगे आपने बोलना है भैया यहाँ पे बटन दबाना है मान लीजिए आपने यहाँ पे बटन दबा दिया ये वाले में ये बंदा है एक्स आपने एक्स को वोट डाला बटन दबा दिया अब ये मेक श्योर sure करने के लिए कि हमने एक्स को वोट डाला है और वोट एक्स को ही पड़ा है तो ये जो वी वी पैट होगा यहाँ पे ऐसे स्लिप सी आ जाएगी वो कुछ टाइम के लिए वहाँ रहेगी वहाँ पे आप उसे चेक कर सकते हैं कि मैंने एक्स को वोट डाला है तो क्या एक्स को ही पढ़ा कि नहीं पढ़ा यहाँ पे बता देगा कि ये एक्स को पढ़ा कि नहीं पढ़ा तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि एक्स को पढ़ा तो यहाँ पे आपने वेरीफाई कर लिया ये वेरीफिकेशन होगी कि मैंने जहाँ पर वोट डाला है वहीं पर वोट पड़ा है वोट बिल्कुल सही जगह पड़ा है तो ये क्या करता है ये वोटर्स को अलो करता है कि उन्होंने जिसे भी वोट दिया है उसको वो वेरीफाई कर सकते हैं अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वी वी पैट को सबसे पहले कहाँ पे यूज़ किया गया तो ध्यान में रखिएगा वी वी पैट को 2013 के नोकसैन असेंबली कॉन्स्टिट्युंसी के जो चुनाव थे नागालैंड में ये बाई इलेक्शन थे बाई इलेक्शन क्या होते हैं एक बार तो स्टेट के इलेक्शन होते हैं फिर मान लो किसी ने पार्टी छोड़ दी है कोई मर गया कुछ हो गया तो फिर वहाँ पे वो जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है वो मर गया अब जब वो मर गया तो सीट खाली होगी तो वहाँ पे फिर दोबारा पुनः बाई इलेक्शन होंगे तो नॉक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी नागालैंड में उसमें 2013 में बाई इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस वीवी -वी पैट का सबसे पहले यूज हुआ तो ये सीधा सवाल पूछा सकता है कि सबसे पहले यूज कहाँ पे हुआ तो नॉकसेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नागालैंड में कौन से ईयर में हुआ 2013 में और ये बाई इलेक्शंस थे वी वी पैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंडियन डेमोक्रेसी के कंटेक्सट में निम्नलिख में से आपने बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है तो इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे पहली बात है अलोज पीपल टू चूज दे रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल सही बात है हमारे पास अधिकार है हम अपने मर्जी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अच्छा ना लगे तो हम नन ऑफ द नोटा को भी दबा सकते हैं तो ये हमें अलो करता है कि हम अपने मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें फिर कमांड पीपल टू पे टैक्सेस फॉर पिलग्रीमेज अब क्या ये पिलग्रीमेज के लिए हमें बोलता है कि तुम्हें टैक्स पे करना है देखो भैया ऐसा नहीं बोलता है द मिलिट्री टू रूल द कंट्री ना भैया ना बिल्कुल नहीं मिलिट्री रूल तो यहाँ पे कभी लगा ही नहीं पाकिस्तान में लगा म्यांमार में लगा इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ तो क्या ये मिलिट्री को रूल करने के लिए बोलता है देश को बिल्कुल नहीं बोलता फिर एलो पीपल टू टेक ओवर द कंट्री इन केसेज ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी नाम भैया नाम क्योंकि लोगों को अलो करता है कि तुम भारत को टेक ओवर कर लो जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी है नहीं ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर है यहाँ पे जनता को सिर्फ ये अलो किया जाता है ये अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी के लोगों को अपनी मर्जी के जो पोलिटिशियन जो लोकसभा के एम पी हैं एम एल एज है उनको चूज करो और फिर वो लोग आगे जो इस्टेब्लिश है प्रोसीजर हमारे संविधान के द्वारा उसके तहत वो काम करेंगे

विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट लोकसभा सीट सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स कहाँ पे हैं पहले भी हमने बात किया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स हैं नेक्स्ट आता है वेन इज नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड निम्न लेखन में से ऐसी कौन सी तारीख है जब नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है तो पच्चीस जनवरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सीधा सवाल पूछा जा सकता है पच्चीस जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वोटर्स डे जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे है तो नेशनल वोटर्स डे किसका हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस को हम नेशनल वोटर्स डे की तरह मनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन विच ईयर भारत में कौन से साल में पहला नेशनल वोटर्स डे मनाया गया था तो राइट आंसर ऑप्शन बी है सबसे पहले नेशनल वोटर्स डे दो में मनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हुआ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हमारे भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे तो राइट आंसर ऑप्शन ए है सुकुमार सेन ये हैं सुकुमार सेन ये हमारे भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ई सी थे ये आपने ध्यान में रखना है सीधा सवाल पूछा जा सकता है पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन थे सुकुमार सेन थे हमारे में मेंबर्स मेंबर्स कितने होते होते हैं हैं तो तीन होते हैं. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं हालांकि ये जो नंबर है ये कई बार चेंज भी हुआ है इलेक्शन कमीशन को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है तो उसमें आप जब देखोगे तो वहां पे मैंने आपको अच्छे से बताया है कि इलेक्शन कमीशन का जो ग्रोथ है जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ और कौन कौन से समय इलेक्शन कमीशन में कितने कितने मेंबर्स बढ़ते और घटते गए मगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर्स हैं थ्री मेंबर बॉडी है ये एक सीई सी चीफ इलेक्शन कमीशन और दो इलेक्शन कमिश्नर भारत में चीफ इलेक्शन को अपॉइंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है पिछले क्वेश्चन में हु आर ऑल इंक्लूडेड मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं आपको थोड़ी देर पहले बताया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स राइट इलेक्शन कमिश्नर्स एक होता है सीई सी दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स ये है ऑप्शन बी इज राइट आंसर वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज इस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था तो नाइनटीन फिफ्टी देखो उन्नीस सौ में हमारे भारत आज़ाद हुआ मैंने आपको पहले बताया कि 1951 और 52 में हमारे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे तो जैसे ही पहले जनरल इलेक्शन हुए तो इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो जनरल इलेक्शन से पहले ही तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा राइट right, बाद में तो नहीं बनेगा क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट कौन करेगा कंडक्ट कराने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ गणग इंडिया आएगा तो जैसे फिफ्टी वन में इलेक्शन हुए तो उससे पहले फिफ्टी में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी हमारे भारत की तो वी एस रामा देवी वी एस रामा देवी पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी हमारे भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका टेन्योर कितना होता है तो देखो या तो वो छः साल रहेंगे या फिर तब तक रहेंगे जब तक वो पैंसठ साल के नहीं हो जाते हैं तो सिक्स ईयर और सिक्सटी फाइव ईयर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस प्रकार की बॉडी है क्या ये इलेक्टिव बॉडी है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या ये स्टेट्यूटरी बॉडी है तो भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल तीन बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अब आर्टिकल 324 बात करता है तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो कमीशन है इसकी जानकारी है इस बॉडी के बारे में बताया गया है जिस भी बॉडी के बारे में संविधान में लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई तो इलेक्शन कमीशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये इलेक्टिव बॉडी नहीं है यहाँ पे किसी को इलेक्ट नहीं किया जाता है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टेटरी बॉडी नहीं है इसके लिए कोई बिल कोई एक्ट नहीं लाना पड़ा इसकी बात सीधे सीधे हमारे संविधान में लिखी है कहां पे लिखी है

लोकल इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं होता है उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि जो कंडक्ट लोकल इलेक्शन है ये मेन ड्यूटी नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है इलेक्शन को कंट्रोल और कंडक्ट करना डायरेक्ट करना और सुपरवाइज करना नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू द दंचायत आर वेस्टेड इन अब पंचायत में जितने भी इलेक्शन होते हैं उनको सुपरटेंड करना उनको डायरेक्ट करना उनको कंट्रोल करना किसका काम है मैंने आपको पहले बताया स्टेट इलेक्शन लेक्टर कमीशन का काम है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दंसर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो कहाँ पे होगा न्यू दिल्ली में होगा जो कि हमारी पोलिटिकल कैपिटल है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर न्यू दिल्ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट इलेक्शन कमीशनर कैन बी रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ हुज रिकमेंडेशन अब हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है हर स्टेट इलेक्शन कमीशन में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा लेकिन अगर इसको रिमूव करना है तो किसके रिकमेंडेशन यानी किसके बोलने पे इसको रिमूव किया जा सकता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बोलने पे इसको रिमूव किया जा सकता है तो ऑप्शन बी इज़ ए राइट आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वोटर्स इंक इज आल्सो नोन एज आप चुनाव में जाते हैं अगर आपने कभी वोट दिया हो या फिर अगर आपने नहीं दिया हो तो आपने किसी और को देखा हो इंक लगाई जाती है हमारी जो उंगली होती है उसमें इंक लगाई जाती है उसको वोटर्स इंक बोलते हैं वोटर्स को और किस नाम से जाना जाता है इंडेलीबल इंक ऑप्शन सी इज़ ए राइट आंसर वोटरजिंक और इंडेलिबल लिंक क्या होती है इसकी कब से शुरुआत होने लगी कौन सी कंपनी इसको बनाती है सारी चीज़ों को मैंने विस्तार से एक अलग वीडियो में कवर किया है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसमें पाया जाता है तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से विस्तार से कवर किया है इंडेलबल लिंक जिसको वोटर लिंक भी बोलते हैं उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जरूर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सोल सप्लायर ऑफ इंडेलिबल लिंक इन इंडिया भारत में सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जो इंडेलिबल लिंक जिसको वोटरजिंक भी बोलते हैं वो बनाती है कौन सी है वो है माइसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कहाँ पे है ये कर्नाटका में है इंडेलेबल इंक कंटेन विच केमिकल इंडेलेबल इंक में कौन सा केमिकल होता है तो सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन बी इज राइट आंसर सिल्वर नाइट्रेट होता है इंडेलेबल इंक में सवाल है कितना होता है कितनी परसेंटेज होती है तो गवर्नमेंट ने कभी भी इसकी जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो रिवील नहीं करी लेकिन खबरों के मुताबिक सात से लेकर तो पच्चीस प्रतिशत तक की जो क्वान्टिटी है सिल्वर नाइट्रेट की वो होती है इंडेलीबल इंक में सेवन टू तो ट्वेंटी फाइव परसेंट हालांकि जो एक्जैक्ट अमाउंट है वो कभी गवर्नमेंट ने रिवील नहीं किया नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन एम जी वाइल ऑफ इंडेलेबल इंक कैन कवर हाउ वोटर्स एक जो छोटी सी दस एम की बोतल होती है उससे कितने वोटर्स को जो इंक है वो लगाई जा सकती है तो ऑप्शन डी 700 को जो दस एम की वाइल होती है इंडेलेबल इंक की उससे 700 वोटर्स को जो इंक है वो लगाई जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड स्टैब्लिश नाइनटीन थर्टी सेवन पैविज महाराजा ऑफ मैसूर अब मैंने आपको बताया कि सोल कंपनी है जो कि इंडेलेबल इंक को सप्लाई करती है पूरे भारत के इलेक्शन में और ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के और भी बहुत से देश हैं जैसे कंबोडिया है मालदीव्स है तुर्की है पहले टर्की हुआ करता था अब तुर्की है इन सारों में भी हमारे देश की जो इंडेलीबल लिंक वोटर लिंक है वो जाती है लेकिन वहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है जो जिस प्रकार से लगाई जाती है वो चेंज हो जाती है उसको मैंने इंडेलीबल लिंक वाली वीडियो में अच्छे से कवर किया है जरूर देखेगा लेकिन अभी जो कंपनी है इसको 1937 में बनाया गया था मैसूर के एक महाराजा के द्वारा सवाल है कि उस महाराजा का नाम क्या था तो ऑप्शन बी है कृष्ण राजा वोडियार कृष्ण राजा वोडियार ने 1937 में मैसूर पेंट एंड वॉर्नेस लिमिटेड नाम की कंपनी को बनाया था नेक्स्ट क्वेश्चन नोटा इंट्रोड्यूस इन विच ईयर नन ऑफ द अबव हमें कोई भी पॉलिटिशियन पसंद नहीं है हम किसी को भी वोट नहीं देंगे हम नोटा को वोट देंगे इसको किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसको 2013 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था अब देखिए नोटा जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था नोटा के बारे में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसको अपना ध्यान में रखना है नोटा आपसे पूछा जा सकता है कि किस केस की जजमेंट के बाद बना तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सीज यूनियन ऑफ इंडिया इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा की डायरेक्शन दी थी अब ये जो सिंबल है नोटा का नन ऑफ द अबफ का इसको किसने डिज़ाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद ने नोटा के सिंबल को डिज़ाइन किया है नेक्स्ट है विस एक एक्ट वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से अलग वीडियो में जीके ट्रिक्स वाली वीडियो में कवर किया है और मैंने और भी काफी जीके ट्रिक्स बनाए हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स वहाँ पे आपको काफी ट्रिक्स मिल जाएंगे वहाँ पे आपको इसका ट्रिक भी मिल जाएगा अब बात है कि कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के तहत वोटिंग की जो उम्र है वो 21 से 18 कर दी गई पहले 21 साल का व्यक्ति वोट दिया करता था फिर 18 कर दी गई अब 18 साल का व्यक्ति वोट देता है तो कौन सी अमेंडमेंट थी ऑप्शन ए सिक्सटी अमेंडमेंट थी जिसके तहत जो वोटिंग एज है उसको इक्कीस से घटा के अठारह कर दिया गया था कैसे याद करना है मैंने ट्रिक के माध्यम से एक अलग वीडियो में आपको याद करवाया है अब जाइए मेरी प्ले में जीके ट्रिक्स वहाँ पे आपको काफी जीके ट्रिक्स की वीडियो मिल जाएंगी वहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जिसने एक किस से घटाकर वोटिंग की उम्र 18 करी इसने हमारे भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल को अमेंड किया तो राइट आंसर ऑप्शन सी है 326 आर्टिकल 326 को अमेंड किया था सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने जिसके तहत 21 से घटा के जो वोटिंग की उम्र है वो अठारह कर दी गई तो देखो ये थे दोस्तों इलेक्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज के क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने यहां पर कवर नहीं किया है तो आई होप आप आपको वीडियो अच्छी लगी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा शेयर करेगा पॉलिट्स टिकॉम जे जरा फिसल मामले टेक्लॉजी तो हम वीडियो उसको देखने के लिए बार हमारी प्ले को जो चेक करिएगा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारी प्ले लिस्ट को कंटफे की बाकी वीडियो उसको देखिए आपको काफी हेल्प मिलने वाली है इसलिए समय निकाल के चैनल को जरूर चेक करिएगा जीके के कंटे फिर जीके टिक्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमारा हार्ड वर्क कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद